डियर स्टूडेंट, आज क्लास टू की जो इंग्लिश है उसका सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने जो है फर्स्ट चैप्टर को खत्म किया था। फर्स्ट चैप्टर मतलब हम लोग का खत्म हो गया, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने करा दिया। अब आज पढ़ेंगे लेसन टू, माय फ्रेंड द सन, मेरा मित्र सूर्य। ठीक है, इससे आपकी बुक में जो दिया गया है कि पिक्चर बनाया गया है, मैं यहाँ पिक्चर लिखाए हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बोर्ड गिवन बिलो। ये पिक्चर हमने बनाया नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक में ये दिया है, और जो इससे मिसिंग जो क्वेश्चन था उसे हम यहाँ पे करा देंगे, आप अपनी कॉपी में उसे कर लेंगे। देखिए, क्लाउड्स सन वे माउंटेन, ये दिया गया है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में इसे भरना है, फिल करना है, जो स्टूडेंट में हो उन्हें आप इसमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसे फिल करेंगे। देखें कहा है द, यहाँ पे फिल करना है, इज राइजिंग इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, कौन जो है पूर्व में उठता है ना। तो भाई सन है, यहाँ सन लिया गया है, द सन क्या हो जाएगा, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट हो जाएगा। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द, आपके बुक में देखें क्या लिया है, ये माउंटेन हो जाएगा, पर्वतों से है ना, नदी पर्वत से होकर के बहती है, ये दिया है। ये द लिव्स इन द सी, समुद्र में कौन रहता है भाई, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वे, यहाँ पे वे बनेंगे, वे यानी वे लिव्स इन द सी, अंडरस्टैंड। अब देयर आर इन द स्काई, क्या बचा आपका, क्लाउड्स, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, सी एल ओ यू डी एस, ठीक है, क्लाउड्स, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, ये हो गया। ठीक है, इसे आप अपनी जो कॉपी है इसमें राइट कर लेंगे। और नाउ रीड एंड एंजॉय द स्टोरी, आप इस जो है हम लोग बुक में देखेंगे, बुक के अकॉर्डिंग आपके जो माई फ्रेंड द सन से रिलेटेड जो स्टोरी है उसे हम पढ़ाएंगे आज। देखिए उससे रिलेटेड हमने जो है मीनिंग यहाँ पे शुरू में करा दिया है, और इससे और जितना हमने पैरा पढ़ाएंगे उसके बाद नेक्स्ट में हम आपको मीनिंग कराते हुए पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, देखें काटा, काटा ने इसको किया, काटा प्लीज उठना होता है, प्लीज उठना होता है, गॉट अप है इसका पास्ट टेंस में बनाया है, गॉट अप मींस उठ गया, अर्ली अर्ली मींस जल्दी, विंडो विंडो मींस खिड़की, फ्रेंड फ्रेंड मींस मित्र, सन यानी सूर्य, थॉट मींस सोचा, थिंक मींस सोचना होता है, थिंक थॉट थॉट है ना, मिसिंग मिसिंग मींस खोना या लापता होना। ठीक है, इससे रिलेटेड जो मीनिंग है उसे आप अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। ठीक है, देखें स्टोरी क्या कह रही है कि रोहन गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रोहन प्रातः बहुत जल्दी उठ जाता है,
उठ गया। He looked out from the window. He looked out from the window और खिड़की से बाहर की ओर देखा। Where is my friend? Where is my friend? मेरा मित्र कहाँ है? Where is my friend? मेरा मित्र कहाँ है? The sun क्या कहा है? Where is my friend? The sun सूर्य मेरा मित्र जो है सूर्य जो है कहाँ है? He thought वह सोचा। जिसका मित्र था कौन था? सूर्य। ठीक है। रोहन देखिए अगेन एक बार। रोहन गाट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी रोहन प्रातः जल्दी उठ गया यानी सुबह में जल्दी उठ गया। ही लुक्ड आउट फ्रॉम द विंडो और उसने खिड़की से बाहर की और देखा। वेयर इज माई फ्रेंड मेरा मित्र कहाँ है? द सन सूर्य मेरा मित्र कहाँ है? ये ही थॉट उसने सोचा। रोहन वाज सैड रोहन दुखी था। रोहन वाज सैड रोहन वाज सैड यानी रोहन दुखी था। ही वाज मिसिंग हिज फ्रेंड वह अपने मित्र को क्या कर रहा था? मिस कर रहा था यानी खो रहा था यानी उसे लग रहा था कि उसका मित्र कहीं लापता हो गया है। He was missing his friend. Something is wrong with the sun. Something is wrong with the sun. सूर्य के साथ कुछ गलत हुआ है। He thought. उसने सोचा कि सूर्य के साथ कुछ गलत हुआ है। है ना? Something is wrong with the sun. सूर्य के साथ कुछ गलत हुआ है। He thought, उसने सोचा कि सूर्य के साथ कुछ गलत हुआ है। पीको लेट अस गो द सन रोहन से टू हिज पेट पैरट। रोहन ने अपने पालतू तोते से कहा। पीको लेट अस गो द सन चलो सूर्य के पास चलते हैं। लेट अस गो द सन चलो सूर्य के पास चलते हैं। दे केम टू द बिग वेव दे केम टू द बिग वेव बड़े वेव के पास गए। कैन यू टेक अस टू द सन आस्क्ड रोहन। रोहन ने पूछा क्या किससे वेल से कि कैन यू टेक अस टू द सन क्या तुम हम लोग को सूर्य के पास ले चलोगी? तो वेल ने कहा एस हाँ आई कैन हाँ मैं ले जा सकती हूँ। कैन यू टेक अस द सन क्या तुम हम लोग को सूर्य के पास ले जा सकती हो? क्या तुम हमें सूर्य के पास ले जा सकती हो? किसने कहा ये? रोहन ने कहा। ठीक है। एस वेल ने कहा एस आई कैन हाँ मैं ले जा सकती हूँ। द वेल सेड वेल ने कहा। द वेल स्वैम फास्ट वेल बहुत तेजी के साथ तैरी। है ना? दे वेंट टूवर्ड द माउंटेन वे पहाड़ों के पास गई। द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स सूर्य बादलों के पीछे था। सूर्य बादलों के पीछे था। रोहन वेंट नियर द सन रोहन जो है कहाँ गया? नियर द सन रोहन सूर्य के पास गया। है ना? रोहन वाज द सन वाज क्राइंग सूर्य चिल्ला रहा था। यानी है ना आप को जो है एक बार अगेन मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ आप को जो इसमें रहेंगे इसे अगेन
खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बताएंगे, इससे रिलेटेड जो भी अभी ये चैप्टर देखिए पूरा नहीं हुआ है, कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को भी हम करा देंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अगेन मैं एक बार कर दे रहा हूँ, रोहन गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रोहन सुबह जल्दी उठ गया, ही लुक्ड आउट फ्रॉम द विंडो, उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा, वेयर इज माई फ्रेंड द सन, मेरा मित्र कहाँ है, सूर्य मेरा मित्र कहाँ है, ही थॉट उसने सोचा कि मेरा मित्र सूर्य कहाँ है, रोहन वाज सैड, रोहन दुखी था, ही वाज मिसिंग हर हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को क्या करा, ही वाज मिसिंग हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को खो रहा था, यानी मिस कर रहा था, है ना। समथिंग इज रॉन्ग विद द सन, सूर्य के साथ कुछ गलत हुआ है, ही थॉट उसने सोचा सूर्य के साथ कुछ गलत हुआ है, पीको लेट्स गो द सन, पीको लेट्स गो टू द सन, रोहन से टू हिज पेट पर, यानी रोहन ने अपने पालतू तोते से कहा पीको चलो सूर्य के पास चलते हैं, देखे टू द बिग वेल, वे बड़े वेल के पास गए, कैन यू टेक अस टू द सन, आस्क्ड रोहन, रोहन ने कहा क्या हमें तुम सूर्य के पास ले चलोगे, ये लिखी वेल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या तुम मुझे सूर्य के पास ले जा सकती हो, तो वेल ने कहा एस हाँ आई कैन, हाँ मैं ले जा सकती हूँ, द वेल सेड, वेल ने कहा द वेल स्वैम फास्ट, वेल और तेजी के साथ तैरी, है ना, दे वेल टूवर्ड द माउंटेन, वे माउंटेन के पास उनको ले गई, द सन बिहाइंड द क्लाउड्स, द सन वाज बिहाइंड द क्लाउड्स, सूर्य बादलों के पीछे था, रोहन वेन नियर द सन, रोहन सूर्य के पास गया, सूर्य के निकट गया, द सन वाज क्राइंग, सूर्य चिल्ला रहा था, क्राइंग इस रोना या चिल्लाना, वीपिंग इज देखिए रोना होता है, क्राइंग इज चिल्लाना। तो आप यहाँ तक हमने करा दिया है, कल आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन इसकी मीनिंग दिखाएंगे और उससे जो रिलेटेड इसमें जो पैरा रह गया है उसे मैं कल पूरा करूँगा। इसी के साथ हम कल मिलेंगे।